आपके जीवन के प्रश्न, आपके जीवन के परेशानियां वो महापुरुष खींच लेगा। शायद कल रात को हम एक बात बता रहे थे, नाम है छत्र और छाया। सुना है छत्र छाया? सब लोग कहते ना भगवान की छत्र छाया बनी रहे, गुरुजी की मेहर बनी रहे, बालाजी की छत्र छाया बनी रहे, संतों की छत्र छाया बनी रहे, ऐसा बोलते ना। ये शब्द का अर्थ है जानते हैं? छत्र माने होता छाता, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं अम्ब्रेला, छाता। अर्श की बूंदों को आपके सिर पर शरीर पर नहीं आने देता। उसी प्रकार आपके जीवन में किसी गुरु, किसी संत, किसी महापुरुष का छत्र बरद हस्त अगर हो जाए तो संकटों की बारिश आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कष्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पीड़ा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, रोग आपका कुछ। एक ही साध हैं सब सध हैं, सब साध हैं सब जाएं। एक बात ध्यान रखना, बार बार अगर आप इष्ट को बदलोगे, बार बार अगर आप गुरु को बदलोगे, बार बार अगर आप परमात्मा को, ईश्वर को बदलोगे, कभी राम की पूजा, कभी श्याम की पूजा, कभी शिव की पूजा, कभी दुर्गा की पूजा, कभी देव की पूजा, तो कभी इंसान मात पिता एक होने चाहिए। माता पिता बदले नहीं जाते, वो तो एक ही होते हैं। उसी प्रकार गुरु बदले नहीं जाते, वो एक ही होते हैं। उसी प्रकार इष्ट को बदला नहीं जाता, वो तो एक ही होते हैं। सम्मान सबका करो, सम्मान सबका करो। तो छत्र छाया जीवन में किसी महापुरुष की बहुत जरूरी है। यही सूत्र है, दुख से बचने का सूत्र यही है कि आप जीवन में आशा रखो तो केवल भगवान से रखो, ईश्वर से रखो, राम जी से रखो, हनुमान जी से रखो। बाकी जगत में किसी से आशा मत रखो। संसार में आशा रखोगे तो घाटा ही घाटा खाओगे, और घाटा तो कुछ लोग समझने में भी खाते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमें मिला, बहुत अच्छा, बोले गुरुजी 35 साल से गीता की बात सुन रहे हैं, एक एक बात। हमने कहा वाह बहुत अच्छा, उसने तो हद कर दी। बोले महाराज मैं 35 वर्ष से गीता की उंगलियों के इशारे पर चल रहा हूं। हमने कहा ओ हो, हमें लगा शायद ये श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहा। हमने कहा भाई साहब हद ये बात है कि तुम सुधरे क्यों नहीं हो, जब 35 सुधरे क्यों नहीं? तो धीरे से कहता है दरअसल गुरुजी गीता मेरी घरवाली का नाम, मेरी पत्नी का नाम है, मेरी वायु का नाम है। हमने कहा जय हो, फिर तो अच्छा है। हमने कहा डंडा भी खाओ फिर तो गीता से, और क्या बताएं। वैसे लोगों का उद्धार नहीं होने वाला। हमें लगा शायद ये श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहा, हमने तो हद कर दी। उसने तो हद कर दी, हद करके कहता है कि मैं तो पत्नी का नाम गीता रखे हुए। तो केवल नाम रखने से काम नहीं चलना है, नाम में कुछ असर हो। उसी प्रकार जगत के प्रपंचों में देखो, संसार का नाम ही है दुखालय। इस संसार में तुम्हें दुख ही दुख मिलना है। सुख की अगर चाह है, आनंद की अगर चाह है, तो गांठ बांध लो, बालाजी की शरणागति ले लो।